हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो रोटेट के बारे में, जैसे कि हम ऑटो रोटेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ऑटो रोटेट पे राइट साइड से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी सेटिंग को हम ओपन कर लेंगे। जैसे कि हमने यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करने के बाद आप इसे इस तरीके से रोटेट करके चला सकते हैं। ये देखिए रोटेट हो गया। इस तरीके से आप इसको रोटेट करके चला सकते हैं। किसी भी सेटिंग को आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो रोटेट, यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहां से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और भी सेटिंग होती है, जैसे कि ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब होता है जैसे कि 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, यानी कि स्क्रीन का टाइम होता है। यानी कि 15 सेकंड तक ऑटोमेटिकली आप अपनी स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।